हेलो दोस्तों, जीआरपीसी सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि जीआरपीसी क्या होता है और पूरी हिस्ट्री हमने जीआरपीसी की जानी है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोटोफाइल होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने देखा कि हमारे एक क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट होता है और सर्वर साइड का जो प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे सेटअप करते हैं, और उसके अंदर जो हमारी सर्विस होती है उस मेथड्स को किस तरीके से कैसा हम बना सकते हैं। देन हमने देखा कि प्रोटोफाइल को कैसे ऐड करते हैं और उस प्रोटोफाइल के बेसिस पे हम उस प्रोजेक्ट को क्लाइंट टाइप का कैसे बनाते हैं, सर्वर टाइप का कैसे बनाते हैं, और अगर हमें दोनों बनाने हैं तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉट प्रोटोफाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, और जो मेन फाइल जो होती है जीआरपीसी में वो प्रोटोफाइल ही होती है। सो व्हाट इज़ द जीआरपी, व्हाट इज़ द डॉट प्रोटोफाइल। सो ये एक्चुअली एक इंटरफेस की तरह आप ले सकते हो, एक कॉमन फाइल। इसका बनाने का जो मकसद था वो ये था, जैसे कि हमने देखा कि जीआरपीसी का जो फीचर होता है कि ये किसी भी लैंग्वेज में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम जितने भी हमारे जो लैंग्वेज है उनमें अगर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, सो उसके लिए हमें एक कॉमन फाइल चाहिएगी जो कि हर एक लैंग्वेज के साथ में वर्क कर सके, ठीक है। सो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो मेथड्स क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। सी सी प्लस प्लस में उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो अलग होते हैं, रूबी के अंदर अलग होते हैं, सी शार्प में अलग होते हैं, जावा में अलग, नोड जेएस में अलग, पीएचपी में अलग, गो में अलग, ठीक है। सो इतनी सारी लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेजों के साथ में उनके साथ कोलैबोरेट करना, ठीक है, और उन सबका एक कॉमन फाइल बनाना ताकि जीआरपीसी हर एक लैंग्वेज के साथ में, हर एक टेक्नोलॉजी के साथ में वो वर्क कर सके। क्लाइंट साइड हमने कोई अलग लैंग्वेज यूज़ की है, सर्वर साइड हमने कोई अलग लैंग्वेज यूज़ की है, जिसे उन दोनों को मिक्सअप करना, ठीक है। आज हर रोज़ कोई ना कोई लैंग्वेज बनती है और आती है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले इतनी लैंग्वेजेस नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। सो क्यों टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, सो हमें एक टेक्नोलॉजी है जिस पे हमने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने पाइथन में कुछ भी इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट जो है हमने सी शार्प में बना लिया, ठीक है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें दोबारा, हमें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है हमें उसी सर्विसेज को यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे सी शार्प के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक इशू बन जाता है, तो इसीलिए जीआरपीसी यूज़ की जाती है, ठीक है ना। और जीआरपीसी वो किस तरीके से वर्क करती है, एक डॉट प्रोटोफाइल होती है जो इन सारी लैंग्वेज के साथ में कोलैबोरेट करती है और एक इंटरफेस की तरह वर्क करती है, ठीक है। सो ये प्रोटोफाइल आज आप समझ सकते हो लाइक एक एलेक्सा की तरह, ठीक है। सो एलेक्सा क्या होता है, क्या करती है, वो यहाँ पे पीपल्स है, ठीक है, भांत भांत के यहाँ पे पीपल्स है, ठीक है, ये पीपल्स इसको कमांड देता है, ठीक है, एलेक्सा को, ठीक है। और ये एलेक्सा जो है इन कोड डिकोड करके एलेक्सा क्लाउड पे जो भी एलेक्सा क्लाउड से ये क्या करती है, रेस्पॉन्स लेके आती है, ठीक है, और देन रिटर्न वापस जो भी उनको रेस्पॉन्स चाहिए उनको रिटर्न करती है, ठीक है। सो ये एक क्या है, एलेक्सा जो हमारे पास जो डिवाइस है वो एक मीडिएटर की तरह वर्क करती है, ठीक है ना। यहाँ पे
ये अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करेगा तो ये इंग्लिश में बात करेगी, ये अगर हिंदी में बात करेगा तो ये हिंदी में बात करेगी, मराठी, उर्दू, फ्रेंच, जो जिस लैंग्वेज में बात करना, जैसे ही इसके पास कमांड आएगी वो उसको इनकोड करेगी और डिकोड करेगी, और एलेक्सा क्लाउड से ये वापस से रेस्पॉन्स लेके आएगा और इनको रेस्पॉन्स देगी। ठीक है, सो इसी तरीके से ये डॉट प्रोटोफाइल है वो वर्क करती है इन लैंग्वेजेस के साथ में और कोलैबोरेट करती है। ठीक है, सी साप क्या करेगी, डॉट प्रोटोफाइल ये इसके साथ में भी अटैच होती है। ठीक है, और सेम फाइल ये पाइथन के साथ में भी अटैच होती है। ठीक है, और जिसको भी जो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो वो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा इनके पास, डॉट प्रोटोफाइल यहाँ पर इससे रेस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है, और वापस से वो रेस्पॉन्स सी शार्प में पास कर देगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से डॉट प्रोटोफाइल वर्क करती है। अब देख लेते हैं कि ये डॉट प्रोटोफाइल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, टेक्निकली समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड बना रखा है, ये मेथड, ठीक है, लेट से मैंने ये सी शार्प में बना रखा है। ठीक है, इसी मेथड को मुझे अगर पाइथन में यूज़ करना है, ठीक है ना, तो पाइथन में यूज़ करना है तो मुझे पाइथन में जाना है, तो मेरा मेडिएटर जो है प्रोटोफाइल है। ठीक है ना, तो इसी मेथड को मुझे क्या करना होगा कि डॉट प्रोटोफाइल में कन्वर्ट करूँगा, डॉट प्रोटोफाइल कन्वर्ट कर देगा पाइथन में। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये मेथड है मेरा, यूज़र रिक्वेस्ट इसमें आर्ग्यूमेंट में भेज रहा हूँ, और रेस्पॉन्स में मुझे ये यूज़र रिप्लाई टाइप का एक मॉडल जो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट मेरा ये इस टाइप का है। ठीक है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग जहाँ पे मैं रोल नंबर भी यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है, और यूज़र रिप्लाई में मैं स्टेटस, एरर, काउंट, एरर, इस तरीके से ये मेरा एक मॉडल है जो मैं ये रेस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक प्रोटोफाइल है। ठीक है, प्रोटोफाइल बनाने का किस तरीके से हम ऐड करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हो। सो प्रोटोफाइल में एक सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आप प्रोटो 2 1 2 3 कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन कि आप की जो फाइल है ये इसका आप पाथ यहाँ पे दे सकते हो कि grpc अंडरस्कोर सर्वर। ठीक है ना, ये सिंटेक्स होता है प्रोटोफाइल का कि जो भी आप नेमिंग देते हो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, सो डॉट डॉट एक पाथ जो इन होने के लिए, ठीक है, डॉट मीन्स इन होने के लिए, प्रोटो मीन्स मेरा ये जो फोल्डर है ये इसका नाम, और ये इसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, पैकेज का नाम जो आपके फाइल का नाम है, डॉट प्रोटोफाइल का जो नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो सर्विस है, जो मेरी ये सर्विस है, इसी सर्विस को मुझे यहाँ पे बनाना है। इसको आप एज ए इंटरफेस की तरह आप समझ सकते हो कि ये एक इंटरफेस की तरह वर्क करती है। लाइक यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर रखा है। ठीक है, आई एग्जीक्यूशन सर्विस मैंने इसका नाम दिया है। ठीक है ना, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे आई एग्जीक्यूशन सर्विस नाम दिया, क्यों दिया वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। गेट रिजल्ट बाई रोल नंबर, ये मेरा मेथड का नाम है जो मैंने दिया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। आर्गुमेंट यूजर रिक्वेस्ट मेरा ले रहा है, तो यूजर रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे सेम नेम मैंने दे दिया है। ठीक है ना, ये यहाँ से कोई इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये यहीं पे इसको डिफाइन किया, नेक्स्ट में बताऊंगा। यूजर रिप्लाई रिटर्न हम कर रहे हैं जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम नेमिंग के साथ में, एज ए कैपिटल है तो कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, एम्प्टी ब्लॉक के साथ में। अब ये जो यूजर रिक्वेस्ट है वो है एक मैसेज। ठीक है, लेफ्ट से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं सी शार्प में, क्लास। ठीक है ना, ये क्या है, एक क्लास है। ठीक है ना, एक मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास है वो एक मैसेज है डॉट प्रोटो में। सी शार्प में क्लास होता है, नोट्स में कुछ और होता है, और रूबी में, गो में, सी सी प्लस प्लस, पाइथन में ये टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ले लिया एक यूजर रिक्वेस्ट, और यूजर रिक्वेस्ट किस टाइप का है, मेरा रोल है। ठीक है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए,
ये मैंने आपको थोड़ा और कुछ और चीज़ें समझाने के लिए मैंने लिया है। एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्या है, ओनली रोल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रोल ही लेना है, ठीक है। ये भी आप हटा सकते हो, ठीक है। अब ये यूजर रिप्लाई, यूजर रिप्लाई में मेरे क्या क्या है प्रॉपर्टीज, स्टेटस है स्ट्रिंग टाइप का, तो मैंने यहाँ पे स्टेटस स्मॉल लेटर में एंड स्ट्रिंग, ठीक है। एरर काउंट इंट, सो एरर काउंट अंडर स्कोर, एरर अंडर स्कोर काउंट, ये क्या होगा, ये इस तरीके रीड करेगा कि एरर का जो ई है वो कैपिटल में ले लेगा और सी जो है उसको ये क्या कर लेगा, अंडर स्कोर के बाद में सी है तो इसको कैपिटल सी बना देगी, यानी कि केमिकल केस बना देगा, ठीक है ना, जीआरपीसी। देन उसके बाद में एरर है स्ट्रिंग टाइप का, सो ये मैंने इस तरीके से मॉडल यहाँ पे जीआरपीसी के अंदर मैसेज मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अभी जो मैंने मिटाया था वो उसके बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्यों मिटाया था। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिया ताकि आपको समझ में आए कि ये रिपीटेड क्या है। ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल होता है, रिपीटेड होता है, ठीक है, और सिंगुलर होता है। सिंगुलर मीन्स लाइक सिंगुलर ओनली, ऑप्शनल मीन्स ऑप्शनल कि ये ऑप्शनल है या नहीं है या रिक्वायर्ड है। रिपीटेड मीन्स सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट मार्क्स टाइप का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ये यहाँ पे मैंने इसका कोई वेरिएबल नेम दे दिया है, ठीक है ना। सो सब्जेक्ट मार्क्स एक और मेरा मॉडल है, ठीक है ना। मॉडल के अंदर मॉडल हम डिफाइन करते हैं, राइट। सो लेट से यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से, अब जो ये सब्जेक्ट मार्क्स है ये, सॉरी, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स, रिपीटेड मीन्स लिस्ट ऑफ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई इस टाइप का कोई मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको जो प्रोटोफाइल है इसमें इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट मार्क्स को इसके अंदर, ये मैप्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप गए, ठीक है। ये मैप्स होता है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, एंड जिसमें स्ट्रिंग एंड इंट, इंट 32 लेता है, जीआरपीसी का जो डेटा टाइप है वो इंट 32 इक्विवेलेंट इंट इन सी शार्प, ठीक है। देन इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ओके दैट फाइन। सो ये इस तरीके से इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डेटा टाइप्स को, राइट। अब हम समझ लेते हैं ये वन टू ये क्या है। देखो ये वन टू है जो हर एक प्रॉपर्टी का एक नेमिंग नेम है, ठीक है। आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि इस ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है ना। ये कोड हमें ये देना पड़ेगा, आप सिमिलर नहीं दे सकते हो, सेम कोड नहीं दे सकते। लाइक यहाँ पे मैंने टू दिया तो ये टू मैं नहीं दे सकता, ये एरर शो कर देगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके से ये आप डिफाइन कर सकते हो डेटा टाइप इन द जीआरपीसी। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डॉट प्रोटो और किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, एंड इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने देखे हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसको कैसे कॉल करते हैं क्लाइंट साइड में, एंड किस तरीके से डॉट प्रोटो फाइल को हम यूज करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।